আমি শর্মিলা আর রোজার স্মৃতি আমার কাছে ফিরে এসেছে মধু ওয়েলকাম টু বেলা ডট ইট ওয়াজ সাচ আ প্লেজার টু মিট ইউ হিয়ার লাভলি থ্যাংক ইউ What do you say about this program? Because this is about women empowerment and we saw Roja in terms of women empowerment in many ways. Yes. Women empowerment should not be a term which is loosely used. उसके बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. एक सिर्फ फाइट करना, उससे हमें ये नहीं पता होता कि हम वी आर एम्पावरिंग आवर सेल्व्स और वी आर स्प्रेडिंग एम्पावरमेंट. दिस टुडे इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. एक तो इट्स अबाउट हेल्थ एंड इट इज़ अबाउट आवर फैमिली एंड अबाउट आवर सोसाइटी एंड गोइंग बैक टू द बेसिक्स. कि हम जहाँ से निकल के मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हम बहुत दूर चले गए हैं. सो इट इज़ अबाउट अवेयरनेस टू गो बैक टू सिंप्लिसिटी एंड सिंपल लिविंग. और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट इस तरह से होता है कि जब हम वुमेन को एनकरेज करते हैं फार्मिंग में और उन्हें ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो जो काम करते हैं वोकेशन के तौर पे, अगर उन्हें उससे मॉनेटरी बेनिफिट हो और दे फील इंडिपेंडेंट, दे फील मोटिवेटेड, तो वो सर्व भी कर रहे हैं सोसाइटी और अपने आप को और बहुत अलग तरीके से दे आर सर्विंग अस एंड देम. And we as women and as part of society, we must also be aware of the good health and help other people and give them the guarantee that they will be looked after. Aisa nahi ho ki wo itna sab mehnat karke proceeds ko hum aage nahi badha saken. So there are many many aspects and we've started this initiative. Of course I have been started, I mean I've Juhi been is very Juhi close is friend been, Juhi has been doing it for many years and Pankaja ji and all others are doing it for long and आज ये मेरे लिए पहला कदम था और मैं बहुत प्राउड हूँ और हैप्पी हूँ और मैं उन सब लोगों को मैं थैंक यू कहती हूँ, स्पेशली जूही जी को कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया. हाउ डू यू सी रोजा? सो मेनी इयर्स हैव पास्ड, सी पीपल स्टिल रिमेंबर यू रोजा एज रोजा एंड यू आर स्टिल ग्लोइंग लाइक एनीथिंग. व्हाट इज योर थैंक यू कि आप ये सब कह रहे हैं मेरे लिए. आई फील वेरी हैप्पी and I feel very honored and grateful ke mere naam se, mere naam ke andar Roja jaisi film hai jo aaj bhi log yaad rakhte hain aur mujhe yaad rakh rahe hain and I'm very happy and grateful. How do you see your career from here? Well, maine bahut saalon tak kaam nahi kiya tha family ki wajah se, bachchon ki wajah se. Ab mere bachche thode se bade ho gaye hain aur mujhe thoda sa zyada waqt milta hai, to main ab kuch aur kar sakti hu. और जब मैं कहती हूँ कुछ और कर सकती हूँ, मैं तो अपने आप को सिर्फ आर्टिस्ट के नाम से ही, आर्टिस्ट जैसे ही अपने आप को देखती हूँ. सो आई विल बी वेरी सून बैक एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट. थैंक यू सो वेरी मच.